तो अब देखिए यह जो मैंने डायग्राम बना के रखा है यह एक विषणी पिंडक का डायग्राम है। मैंने क्या बताया कि आप जब एक टेस्टिस को हॉरिजॉन्टली कट करेंगे तो वहां पर आपको इस तरह के 250 कंपार्टमेंट मिलेंगे और 250 कंपार्टमेंट में से मैंने एक कंपार्टमेंट का यहाँ पर डायग्राम बना रखा है। समझे कि नहीं, एक कंपार्टमेंट का डायग्राम बना रखा है। एक कंपार्टमेंट में क्या होते हैं, एक से लेकर तीन शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती है, यानी कि सेमीफेरस ट्यूबुल पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने देखो तीन बना रखी, एक दो तीन, तीन क्या है शुक्रजनक नलिकाएं हैं। ये देखो ये क्या है शुक्रजनक नलिकाएं, एक है दो है तीन है, तीन है शुक्रजनक नलिकाएं। अब देखिए यह जो शुक्रजनक नलिकाएं है ना, इसमें दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक देखिए, देखिए चारों तरफ बनाई है और बीच में देखिए बनाई है। तो ये जो दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक को कहते हैं शुक्रजन कोशिका और दूसरे को कहते हैं सर्टोरी कोशिका। इंग्लिश में भी इसको क्या कहते हैं, सर्टोली सेल ही कहते हैं। शुक्रजन कोशिका को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस सेल, ठीक है, क्योंकि शुक्रजन कोशिका ही किसका निर्माण करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है। क्वेश्चन यह पूछता है कि सर्टोली कोशिकाओं का काम क्या होता है, तो सर्टोली कोशिकाओं का काम होता है टू प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर डेवलपिंग स्पर्म। तो विकसित हो रहे शुक्राणुओं को परर पोषण करने का काम किसका होता है, तो सर्टोली सेल का होता है। सर्टोली सेल क्या करती है, जो स्पर्म जो शुक्राणु विकसित हो रहे हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, उनका भरण पोषण करती है। कौन, सर्टोली सेल। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सर्टोली सेल का काम क्या होता है, समझे कि नहीं। शुक्रजन कोशिका क्या करती है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, और सर्टोली सेल क्या करती है, विकसित हो रहे शुक्राणुओं का भरण पोषण करती है, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, समझे कि नहीं। ठीक, अब देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल में बीच में खाली स्थान भी होगा। इस खाली स्थान पर एक कोशिका पाई जाती है जिसको हम कहते हैं इंटरस्टीशियल या फिर लीडिंग सेल, हिंदी में से कहते हैं अंतराली या फिर लीडिंग कोशिकाएं सेल। या इंटरस्टीशियल और लीडिंग सेल होती हैं या एक हार्मोन सीक्रेट करती हैं जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसी को कहते हैं मेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। नर में सेक्स हार्मोन किसको कहते हैं, एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन को कहते हैं, दोनों का एक ही नाम है, याद रखना। और अगर यहाँ पर एंड्रोजन पूछता तो फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, अगर एंड्रोजन पूछता है तो यह क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, समझे कि नहीं। कौन सीक्रेट करता है मेल सेक्स हार्मोन को, इंटरस्टीशियल या फिर लीडिंग सेल। अच्छा यह क्वेश्चन भी आता है, कहता है कि एंड्रोजन हार्मोन या फिर कहेगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं, तो मैं कहता हूं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। आप कहोगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो जैसे मनुष्य की आवाज जो होती है वो भारी होती है, यानी कि उसकी पिच क्या होती है, कम होती है। मसल की जो डेवलपमेंट होती है मेल में वह ज्यादा होती है, कौन बनाता है, एंड्रोजन बनाते हैं। हमारे दाढ़ी आना, हमारे मूंछे आना, या कौन डेवलप करता है, एंड्रोजन हार्मोन ही डेवलप करता है, समझेगी नहीं। एंड्रोजन हार्मोन होगा तो दाढ़ी आएगी, अगर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा होगा तो क्या होंगे, हमारी बॉडी ज्यादा बनेगी, हमारे जो बोन की डेंसिटी है वो ज्यादा होगी। तो सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट कौन कराता है, एंड्रोजन हार्मोन कराता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही की वजह से ही ये सारी चीजें होती हैं। देखिए 18 साल के बाद या फिर 14-15 साल के एज में जब आप प्यूबर्टी की एज में पहुंचते हैं तब आपके शरीर में एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, और तभी आपके शरीर में क्या आती है, तभी आपके शरीर पर दाढ़ी बाल ये सारे आने लगते हैं ना, मूंछें वगैरह आने लगती हैं। आप सब के अंदर लगभग इस समय एंड्रोसेक्सुअल कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने लगे होंगे, ठीक है। जितने भी नर वाले लोग हैं, मतलब कि जितने मेल बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उन सब में क्या होगा, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अब सिक्रिएट होने लगा होगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर एक विषणी पिंडक का डायग्राम आपको अच्छे से समझा दिया, समझे कि नहीं। इस डायग्राम को भी अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि एनसीईआरटी में यह डायग्राम है, समझे कि नहीं। अब देखिए नल जनन तंत्र के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन था, एक वृषण था, एक टेस्टिस था, और उसका मैंने पूरा डायग्राम आपको समझा दिया। अब हम आपको अगली आने वाली एक दो वीडियो में क्या बताएंगे, शुक्रजन कोशिका किस प्रकार से शुक्राणुओं का निर्माण करती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन था वो खत्म हो गया। मैं आपको पूरा एक डायग्राम बनाकर जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा और उसके कौन कौन से पार्ट कहां कहां पाए जाते हैं वो सारे आपको दिखा देंगे। इस चीज को आप क्रम अनुसार लिखिए, लिखने के बाद में जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक तरीके से आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, लास्ट में याद हो जाएंगी। बस आप इसको एक एक चीज लिख कर पढ़िए, ठीक है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। हर एक चीज के बारे में जो मैंने यहां लिख रखा है, हर एक चीज क्या है, इंपॉर्टेंट है।